हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 4। तो पार्ट 3 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने सिंपल इंडेक्स नंबर को देखा था, उसके तीनों टाइप को देखा था जो कि काफ़ी ईजी था। हमने प्राइस को देखा, हमने क्वान्टिटी को देखा, फिर हमने वैल्यू को देखा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा बी पार्ट, जिसका नाम है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो आपका ये थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट के मुकाबले थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। आपको सिर्फ दो फॉर्मूलों को याद करना है, आपका पूरा का पूरा सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो दोनों फॉर्मूलों को प्लीज़ आप अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लेना, और उससे रिलेटेड सिर्फ आपको 1 से 2 सम सॉल्व करने हैं, आपको आसानी से चैप्टर आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टाइप को, जिसका नाम है वेटेड इंडेक्स नंबर। इन दिस मेथड द सुटेबल वेट आर असाइन टू द वेरियस कमोडिटी। एक वेट असाइन कर दिया जाता है जितने भी कमोडिटी इसके अंदर होती है। वेट मतलब क्या होता है कि आप P into Q करके आपका क्या अमाउंट आ रहा है, वो आपका वेट आपने डिसाइड कर दिया उसका। तो हर एक जितने भी कमोडिटी होंगे सबका वेट अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग डिसाइड होगा सब। इट गिव्स अ रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू द कमोडिटी इन अ ग्रुप। देखिए, एक तरीके का रिलेटिव इंपॉर्टेंस देता है, मतलब एक दूसरे को एक दूसरे से रिलेटेड कंपेयर करता है। इन मोस्ट केसेस क्वांटिटीज आर यूज्ड एज अ वेट। बहुत सारे केसेस में क्वांटिटी को हम लोग वेट की तरह यूज करेंगे। आगे हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर वेटेड इंडेक्स नंबर को दो इकोनॉमिस्ट लोग ने दिया था, एक लास्पेरस मेथड बोला जाता है और जो दूसरे थे वो है पास्के मेथड। उन्होंने, दो जनों ने मिलकर दिया था, तो एक जन ने ज़्यादा फोकस बेस ईयर के क्वांटिटी पे रखा था और एक जन ने ज़्यादा फोकस करंट ईयर के क्वांटिटी पे रखा था, इसीलिए वो दोनों जन का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। आप सिर्फ, आपको दो फार्मूले याद करने, अलग अलग से आप वेटेड इंडेक्स नंबर आसानी से कर लोगे, जिसकी थियरी भी काफ़ी ईजी है। देर आर वेरियस मैथड ऑफ कंस्ट्रक्शन द वेटेड इंडेक्स नंबर। पहला है लास्पेरस मैथड, दूसरा है आपका पास्के मैथड। पास्केस का मैथड क्या है? पास्केस का मैथड जैसे हमने देखा था, उस समय वो करंट ईयर के क्वांटिटी पे बात करते थे, और जो लास्पेरस मेथड है वो बेस ईयर के क्वांटिटी पे बात करते हैं। तो देख लेते हैं लास्पेरस प्राइस इंडेक्स नंबर होता क्या है। इन दिस टेक्निक बेस ईयर क्वांटिटी आर कंसीडर्ड। प्लीज अंडरलाइन कर लो, इसको याद रखना हमेशा, क्योंकि काफ़ी ईजी चीज़ है, याद रहेगा तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर ईजिली आप कर पाओगे। क्या लिखा है? बेस ईयर के क्वांटिटी पे बात करता है ये। क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड एज अ वेट। जो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है ना, उसको ये वेट कंसीडर करता है। बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट कंसीडर करता है। लैप्रेस में से तो फॉर्मूला अगर देखोगे तो सबमिशन ऑफ P1 into Q0 डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ P0 into Q0, वेरी इजी। मतलब करंट ईयर का प्राइस है, बेस ईयर का क्वांटिटी है, फिर नीचे देखोगे तो बेस ईयर का प्राइस है और बेस ईयर का क्वांटिटी है इनटू 100। देख लेते हैं टेबल, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल वन में, जिसमें कमोडिटी ए बी सी डी है, उसके प्राइस बेस ईयर में देखोगे प्राइस 20, 10, 40, 30 है और क्वांटिटी 4584 है। उसी तरह से करंट ईयर का भी दिया है आपका प्राइस और क्वांटिटी का पूरा लाइन। आपको करना क्या है, आपको पहले लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको अगर याद है, आप फॉर्मूले में देखोगे तो आपको P1 into Q0 पूछा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ करंट ईयर का प्राइस लेना है, बेस ईयर का क्वांटिटी लेना है, दोनों को इनटू करके एक टेबल बना देना है। आपका P1 Q0 वाला टेबल बन जाएगा, जो आप टेबल देख रहे हो 120 है पहला, दूसरा 100 है, तीसरा 480 है, चौथा 160 है, जिसका टोटल 860 आ रहा है। आपका वो पहला टेबल बन गया, पहला कॉलम बन गया। सेकंड कॉलम आपका P0 और Q0 है, यानी बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर का क्वांटिटी को इनटू कर लोगे, मतलब 20 into 4 80 आ गया, 10 into 5 50 आ गया, 40 into 8 320 आ गया। उस तरह से आप वो टेबल बना के आपका टोटल आएगा 570, जिसे आपको पता है आपको आगे क्या करना है। आपका 860 डिवाइडेड बाय 570 करोगे, इंटू 100 करोगे और आपका आंसर 150.87 आ जाएगा। तो आई होप काफ़ी इजी था ये, आप आसानी से P01 निकाल सकते हो प्राइस के केस में, यानी आप
लैप्लेस का मेथड आपने देखा, वो काफ़ी इजी एक फॉर्मूला है और आप आसानी से उसको कर सकते हो। आगे हम देखेंगे पास्के का मेथड क्या है, उन्होंने क्या किया है। इन दिस टेक्निक क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर इज कंसीडर्ड एज अ वेट, करंट ईयर के क्वांटिटी को इन्होंने क्या वेट माना हुआ है। यानी जब आप फॉर्मूले को देखोगे तो ऊपर सबमिशन ऑफ P1 और Q1 है, यानी करंट ईयर का प्राइस इंटू करंट ईयर का क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस इंटू करंट ईयर का क्वांटिटी इंटू 100। आप टेबल देख रहे हो जो स्क्रीन पे, एग्जांपल 2 का पेज नंबर 58 का MNOP, ये आपका चार कॉमोडिटी है। बेस ईयर की बात करें तो प्राइस 2 रुपया क्वांटिटी 10 है, प्राइस 4 है क्वांटिटी 5 है, प्राइस 1 है क्वांटिटी 7 है। इस तरह से आप P0 Q0 का आपको ये क्वेश्चन पेपर में आपको ये पर्टिकुलर टेबल दिया हुआ होगा। आपको करना क्या है, आपको उस फॉर्मूले को देखना है, फॉर्मूले में आपको पूछा क्या गया है, आपको किस चीज़ का सबमिशन निकालना है, किस चीज़ का टोटल निकालना है। P1 इंटू Q1 इसका आपको टोटल निकालना है। तो आपको P1 और Q1 का आप देखोगे तो उसका कॉलम बना हुआ है जिसमें पहला 40 है, फिर 24 है, फिर 20 है, फिर 50 है, MNOP का है, उसका टोटल है 134। आपको P1 और Q1 का सबमिशन आ गया यानी 134 है। उसके नीचे P0 Q1 का टोटल आपको 63 आया है। आपको करना बस ये है कि 134 डिवाइडेड बाय 63 करना है, इंटू 100 करना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। गाइज ये कुछ भी टफ सम नहीं था, काफ़ी ईजी सम था। आप इसको एक बार भी ध्यान से देखोगे, वीडियो को देखते हुए अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। आगे इसका लिमिटेशंस देखो, कोई चीज़ अच्छी होती तो उसके कुछ ना कुछ उसके बुरे पॉइंट्स भी होते हैं, लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेज। तो इंडेक्स नंबर के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहला इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि ये सैंपल पे डिपेंड होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में आपको एजुकेशन पोजीशन देखना है बच्चों का, आपने 200-300 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, हो सकता है वो 10 बच्चे पढ़ने में अच्छे ना हो और आपको लगे कि वो 200-300 पूरे के पूरे पढ़ने में अच्छे ना हो। या तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो 10 ही बच्चे स्कॉलर निकले, आपको लगे कि पूरा एरिया काफ़ी पढ़ा लिखा है, मगर ऐसा सच नहीं है। तो सैंपल लेने में गलती तो होगी, हो सकता है वो सैंपल आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा ना कर पाए, आपके ऑब्जेक्टिव पूरी ना हो पाए, आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव। वी इंक्लूड ऑल द आइटम्स कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर, हैंस दे आर नॉट अ फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर तो होगा होगा इसके अंदर इंडेक्स नंबर में। सेकेंड है बायस इन डेटा। इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा विच मे बी इनकम्प्लीट। इंडेक्स नंबर ज़्यादातर इनकम्प्लीट डेटा पे काम करता है। देयर मे बी अ बायस इन अ डेटा कलेक्टेड। डेटा कलेक्टेड में कुछ बायस हो सकता है। बायस मतलब क्या होता है, मतलब फेयर नहीं होगा वो, मतलब सच नहीं हो सकता, हो सकता है वो गलत हो। दिस इज बाउंड टू अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर। ये चीज कहीं ना कहीं हमारे इंडेक्स नंबर के रिजल्ट को अफेक्ट करती है। थर्ड है मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के मिसयूज भी होते हैं। इंडेक्स नंबर कैन बी मिसयूज, दे कंपेयर अ सिचुएशन इन अ करंट ईयर विद अ सिचुएशन इन अ बेस ईयर। करंट ईयर और बेस ईयर के सिचुएशन को कंपेयर किया जाता है। हैंस अ पर्सन मे बी चूज अ बेस ईयर विच विल सुटेबल फॉर द हिज पर्पस। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि बेस ईयर आप चूज कर सकते हो कोई भी, हो सकता है कि कोई वो बेस ईयर चुने जो भी बेस ईयर काफ़ी अच्छा हो या तो बेस ईयर काफ़ी ख़राब हो। जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, कोई बिजनेसमैन होगा तो वो बेस ईयर चुनेगा जिसमें उसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो हर बार उसका प्रॉफिट उसके कंपेयर में कम आएगा, यानी वो बोलेगा मेरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। या तो अगर अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा दिखाना है उसको, तो वो ईयर चुनेगा बेस जिसमें उसका प्रॉफिट सबसे कम था। अब उसके बाद उसका प्रॉफिट तो हमेशा उससे अच्छा होगा, यानी बोलेगा मेरा बिजनेस अच्छा कर रहा है, यानी बेस ईयर को चुनना भी एक तरीके का एक लिमिटेशन हो जाता है। फोर्थ है डिफेक्ट इन फार्मूला। फार्मूले में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। कोई भी परफेक्ट फार्मूला नहीं है जिससे हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकें।
इट ऑल ओनली एन एवरेज, ये सिर्फ एक तरीके का एवरेज है। जैसे हमने देखा ना कि सारी चीजों को हम पहले प्लस कर रहे हैं, सबको सबमिशन निकाल रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं उसके डिवाइड कर रहे हैं, यानी एवरेज है सब चीज का। फिफ्थ है आपका चेंजेस इन इकोनॉमी, हैबिट टेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इन अ कंट्री ऑलवेज चेंजिंग, लोगों का हैबिट आदत टेस्ट स्वाद हमेशा एक इकोनॉमी में बदलता हुआ रहता है। ऑल दिस चेंजेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ एस्टिमेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये जितने भी चेंजेस हैं ये सारे चीजों को इंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं है। सिक्स्थ है आपका क्वालिटेटिव चेंजेस, प्राइस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में इग्नोर द चेंजेस इन क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस और क्वांटिटी के बारे में तो इंडेक्स नंबर बात करता है, लेकिन बहुत बार क्वालिटी में चेंजेस आता है उस चीज को इंडेक्स नंबर ध्यान नहीं देता। एट एनी गिवन टाइम बेटर क्वालिटी कॉमोडिटी विल हैव अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अ हायर प्राइस देन अ ऑर्डिनरी कॉमोडिटी। हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट का क्वालिटी काफी अच्छा है, यही रीजन से उसका प्राइस ज्यादा हो गया, हो सकता है उसको प्रोड्यूस करना कर पाने में आपको पॉसिबिलिटीज नहीं हो रही है अच्छे से, लेकिन इंडेक्स नंबर तो सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी देखता है, क्वालिटी पे तो वो ध्यान देता ही नहीं है। तो आपको डेटा हमेशा सही मिले ये पॉसिबल नहीं है। सब्स्टिट्यूट ऑफ बेटर प्रोडक्ट, ऑर्डिनरी कॉमोडिटी विच इज सब्स्टिट्यूट ऑफ बेटर प्रोडक्ट, कोई भी एक खराब सा कॉमोडिटी बनाने में पैसे कम लगते हैं। सेवेंथ है आर्बिट्री वेट, वेट असाइन टू डिफरेंट कॉमोडिटी मे बी आर्बिट्री, वो हमेशा आर्बिट्री होता है। एंड इंडेक्स नंबर एट पॉइंट है आपका लिमिटेड स्कोप, इंडेक्स नंबर हैज अ लिमिटेड स्कोप बिकॉज द कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पर्पस देन कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। जो इंडेक्स नंबर है उसका आपका आपका जो स्कोप है वो काफी कम होता है, क्योंकि किसी एक पर्पस के लिए ये बनाया जाता है, कोई और वो डेटा कोई और चीज के लिए आप यूज नहीं कर सकते, यानी इसका स्कोप काफी कम है, यानी ये कम चीजों को कवर करके चलता है। तो गाइज ये चैप्टर यहीं तक था, तो सिक्स चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, काफी इजी सम्स थे, काफी इजी थियरी थी इसकी। आप वीडियो अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो आप रिपीट करके देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आपको कोई भी क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। आपको ये महीने में मे बी टिल नेक्स्ट मंथ में पीडीएफ नोट्स इको के उसी के मैं डालना चालू कर दूंगा, काफ़ी लेट हो चुका है मुझे भी पता है, मगर नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे पूरे। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।